हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबके सामने प्रॉब्लम आ रही होगी एंड्रॉयड ओरियो के बारे में और काफ़ी डाउट्स होंगे एंड्रॉयड ओरियो के बारे में। तो आपके सभी डाउट्स और आप कैसे ओरियो पा सकते हैं मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले की बात करें एंड्रॉयड ओरियो बीटा वर्जन, जिसे हम MFN यूज़र्स कभी कह सकते हैं। MFN यूज़र्स को ये अपडेट अराउंड फेब से भी पहले, यानी जो जनवरी का लास्ट वीक था उसके अंदर ये अपडेट सबको मिल चुका था, और कुछ को उससे भी पहले, जो उनको फीडबैक सही देते हैं उनको काफ़ी पहले मिल चुका था। ये जब से टेस्टिंग कर रहे हैं ज़्यादा कुछ बग नहीं थे, अब जितने भी बग क्लियर हो चुके हैं। अभी ये मार्च के सिक्योरिटी पैच अपडेट लेवल पे चल रहा है, 1 मार्च का अभी सिक्योरिटी पैच अपडेट लेवल है। उसके बाद एंड्रॉयड 8.1 पे मेरा डिवाइस है मोटोरोला मोटो G5 प्लस, ये चल रहा है, और बाकी मोटो G5S प्लस भी मार्च 1 के अपडेट पे चल रहा है। दोस्तों, आप सब में काफ़ी यूज़र ने वीडियो में देखे MFN यूज़र के लिए अप्लाई किया था, तो काफ़ी यूज़र्स का तो सिलेक्ट हो गए थे काफ़ी यूज़र, लेकिन कुछ यूज़र सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि 14 डेज हो गए मेरे को कुछ रिप्लाई नहीं मिला। दोस्तों, आपको रिप्लाई इस वजह से नहीं मिला, एक तो या तो हो सकता है कि आपने मोबाइल की सेटिंग में जाके जो इनका मोटोरोला का, आप सबसे नीचे देखिए एक मोटोरोला का एक ऑप्शन होता है फीडबैक नेटवर्क का, हुआ हो सकता है वो आपने ऑन नहीं किया हो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास, क्या नाम है, कि आप एक्टिव यूज़र ना हो, या फिर अभी उन्होंने मोटोरोला से मैंने बात की कि काफ़ी यूज़र का आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो मैसेज, तो उन्होंने ये कहा कि जो अपडेट है पूरा रेडी है और अब कोई बग भी नहीं है। क्योंकि अभी मेरे को 3 दिन पहले मार्च वाले अपडेट के साथ उसके तुरंत बाद एक और अपडेट आया था, उसमें जितने भी बग थे सब क्लियर हो चुके थे। तो मोटोरोला ने कहा कि अभी हम MFN यूज़र और नहीं चाहते, बिकॉज अपडेट इज़ पूरा, मतलब अपडेट उन्होंने रेडी है और अराउंड अप्रैल से लास्ट वीक से पहले आपको ये अपडेट मिल जाएगा। उनका फुल अपडेट रेडी है, G6 के लॉन्च होते ही आपको विद इन ए वीक आपको एंड्रॉयड अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और अभी मोटो जेड के अंदर ये 2-3 कंट्रीज़ में मिलना स्टार्ट भी हो चुका है। और मोटोरोला का जो मोटोरोला ग्लोबल का पेज, आप उस पर जाके देख सकते हैं, उन्होंने भी ये पोस्ट किया है, क्या नाम है, ट्विटर पे, कि जो अपडेट है थोड़े दिनों में आपको मिलने वाला है, मतलब विद इन ए वीक या 2 वीक्स आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबके सामने यही प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ नया नहीं है ज़्यादा कुछ, ये ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल चेंज हुआ है, और कुछ आप देख सकते हैं गूगल होम चेंज हुआ है जैसे। और बाकी लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर मैंने पिक्सल लॉन्चर लगा रखा है, वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार। और दोस्तों, आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई, मैं ऐसा कोई सा भी कमेंट ना हूँ जिसका मैं रिप्लाई ना करता हूँ, 1-2 कमेंट्स को छोड़ के जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, और बाकी सभी लैंग्वेज का मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और विद इन 5-10 आवर्स में रिप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों, कमेंट करिए, सजेशन बताइए, कोई भी डाउट्स आप क्लियर कर दूंगा मैं आपका, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।